श्री हनुमान जी साधु संतों के रक्षक कैसे हैं, कैसे माने कि श्री हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं? हम आपको अपने ही जीवन की एक घटना सुनाते हैं, सत्य घटना सुना रहे हैं। ये कथा बड़ी अद्भुत है, निज जीवन की सत्य घटना बता रहे हैं। हनुमान जी कैसे रक्षक हैं? जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका नाम है बागेश्वर धाम। एक बार भर हमने ये चर्चा बताई है टीवी के माध्यम से, दोबारा नहीं बताई, लेकिन आप लोग जरूर सुनो क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी कि ये कथा बता सकते हो। बात 2017 की है, 2010-11 से हम बागेश्वर धाम पर रहने लगे थे महाराज जी। 2011 से ही धाम पर रहने लगे थे, पर बात है 2017 की। तब उतना समुदाय धाम पर नहीं आता था, लेकिन आता तो था, शनिवार मंगलवार आसपास क्षेत्र के भक्त आते थे, दादा गुरुजी से जो जुड़े थे। दो हजार सत्रह में हमारे मन में विचार आया कि यज्ञ की जाए। ये चौपाई इतनी सिद्ध हुई हमारे जीवन में, इस चौपाई को हम भूलते नहीं। 18 पुराण करवाने का मन में विचार किया, दक्षिणा तो पहले से ही कुछ नहीं लेते थे लोगों से, तो राम जी की जेब हमेशा खाली, अब करें तो करें क्या। मन में इच्छा जागृत हुई कि अष्टादश पुराण और संगीतमय राम कथा का आयोजन धाम पर हो जाए। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। दृढ़ संकल्प ले लिया, तारीख निश्चित हो गई, ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दे दिया, तैयारी शुरू कर दी, गांव के लोगों को बुला बुला करके तैयारी शुरू कर दी। 18 पुराणों की वही झोपड़ी बनना, लकड़ी लाना, आसपास के क्षेत्रों में प्रचार करना, आसपास के क्षेत्रीय संत महंतों को आमंत्रण देना, प्रारंभ हो गई तैयारी। और जेब में राम जी की फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन श्री हनुमान जी का ध्यान किया, गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का ध्यान किया और ठोक दी। जैसे तैसे करके कोई प्रचार वाला मिल गया, किसी ने राशन दे दिया, किसी ने सामग्री दे दी, दो चार बड़े बड़े सेठ जुड़े थे उस जमाने के, अभी के, उन सेठों से भंडारा का सामान हमने उधार उठा लिया। 9 दिन जो भंडारा करवाना था, ध्यान से सुनना, सब तैयारी हो गई, यज्ञ नारायण की जय बोल गई, यज्ञ नारायण भगवान की, ब्राह्मण आ गए। मन में चिंता एक ही रोज सतावे कि अंतिम दिवस का भंडारा कैसे होगा। चूंकि विश्वास तो था कि श्री बागेश्वर हनुमान जी कोई ना कोई लीला करेंगे, पर करेंगे कैसे, ये बड़ी जिज्ञासा थी। 7 दिन कब निकल गए पता नहीं लगा, राम लीला पुराण ब्राह्मण आ गए, भंडारा चल रहा चकाचक। आप लोग अगर कोई बागेश्वर धाम गए हो तो बागेश्वर धाम में एक पीपल का पेड़ है, तो रोज हम उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर और सबको मिलते थे, ब्राह्मणों को, कुछ गांव के आसपास के लोग आ जाते थे तो सबको मिलते थे। उसके नीचे सोफा डला था, एक टेंट लगा था उसी के नीचे। 2017 की बात, तोड़ी सातवें दिन गांव की पंचायत बैठी तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज जी, गड़ा गांव जहां हमारा है, बोले महाराज जी
बूंदी का प्रसाद तो बहुत लग गया, इस बार पूरी सब्जी का भंडारा करवाएंगे। अब और मन में चिंता हो गई कि जैसे तैसे करके बूंदी की व्यवस्था तो करवा ही ले दी, अब आगे लगी लोचन के भंडारे में तो और ज्यादा पैसा लगा, कहां से लावे। हमारी एक जीवन भर आदत रही कि हमने ना तो किसी से उधार मांगा ना अपनी कमी कभी किसी को बताई कि हम पे हमारे पास संपत्ति नहीं है या धन नहीं। कोई विशेष निज होता है या भक्त दिखता है तो जरूर बता देते, आज तक नहीं बताया। उस वक्त तो और सिद्धांत के पक्के थे, बार बार आंखों में आंसू आवे हमारे कि हे हनुमान जी हमें ब्राह्मणों की दक्षिणा देनी 3.5 लाख रुपया और भंडारा भी करवाना है, जेब में 1 रुपया नहीं है, खजाने में मात्र 22,000 रुपया, मात्र 22,000। और संकल्प था कि हमें मांगना है नहीं, हमने तो हनुमान चालीसा में पढ़ा था साधु संत के तुम रखुबा असुरे निकंदन राम दुलारे। आप संत जनों के रक्षक हैं, हमारी भी लाज रखना। 8 दिन बीत गए यज्ञ के, सत्य घटना, 1 रुपया की व्यवस्था नहीं बनी। अब उस जमाने में भी बड़े बड़े अमीर लोग आते थे, पर स्वभाव में हमारे वही, बस हंस लिया। सबको भी ये बताया भी नहीं, सबको अनुभव भी नहीं होने दिया कि हम किसी चिंता में। में दिन भंडारे का सामान जो 20-22 हजार रुपया बचे थे वो हमने सेठ के यहां पहुंचाए कि आप भंडारे का सामान दो, पूरी सब्जी का भंडारा बनने दो, फिर देखा जाएगा। सामान आ गया, भंडारा बन गया, प्रसाद बन गया, दूसरे दिन ब्राह्मणों की विदाई बस रह गई। अब ब्राह्मणों की विदाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं, चाहिए कम से कम 3-3.5 लाख रुपया। अब एक रात का पूरा खेल, उधार मांगना नहीं है, रात भर में कहीं से आना नहीं है, चढ़ोतरी भी आएगी तो कितनी आएगी, 50,000, सस्ता जमाना, गांव की यज्ञ 40-50 हजार आ जाएगी, चाहिए 3.5 लाख। विचित्रता तो ये फंस गई कि हम अपनी अर्जी लगाएं सो वाईफाई में सिग्नल नहीं आए। अरे चलो भाई बता दो, आपकी व्यवस्था हो जाए, अर्जी लग जाए, पर्चा बन जाए, झंझट खत्म, पर्चा में लिख के आ जाए कि भाई चिंता मत करो कल ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, टेंशन फ्री। लेकिन भाई साहब सिग्नल ना मिले, अब और बड़ी चिंता। चिंता ऐसी बड़ी 8वें दिन रात हो गई, रात को नींद नहीं आई, चित्रकूट की रामलीला आई थी, सब रामलीला देखने गांव के लोग, आसपास के लोग आते थे। गर्मियों के दिन की यज्ञ, आप गांव में जाके पूछना ये वार्ता, तो जगह जगह मटके पानी के भरे, 4-5 हजार लोग रामलीला देखने आते थे। जब रात्रि के 1:30-2 बज गए और अर्जी ना लगे और मन में बड़ी उत्सुकता, रोटी का एक निवाला मुख में नहीं गया कि कल तो ब्राह्मणों की यहां पर नाक कट जाएगी। अच्छा अर्जी लग जाए कि नहीं होनी व्यवस्था तो रात को ही ब्राह्मणों के पांव पलने के हम बाद में चुका दे भी, माफ कर दो। लेकिन ना हां होवे ना ना होवे, अब तो मन में बड़ी उद्विग्नता, शरीर को हम बार बार कसोटें, भीतर जाएं तो 20-22 हजार रुपया निकले, यहां वहां से जोड़ मरोड़ कर दान पेटी खुलवाई, सब 20-25 हजार रुपया भय। अब बड़ी टेंशन, चाहिए 3 लाख 3.5 लाख रुपया, 20,000, अब तो लगता है नाक कट जाएगी। 2 बजे रामलीला विराम हो गई, गांव के सब रामलीला देखकर चले गए। रामलीला देखकर सब जब गांव के गए,
तो हमें बार बार रोना आवे कि कहां से हमने यज्ञ ठान दी, कहां से ये आयोजन ठान दिया, हंसी और बेफिजूली में होनी है। हमने तो भले के लिए ठानी थी पर इसमें तो हम बड़े बुरे फंस गए। लेकिन अब आप ही हो, ये मन में बार बार विचार आवे कि हे प्रभु अब तो आप ही हो। तो जब रामलीला बंद हो गई, 2-4-10 लोग जाग रहे थे, बाकी सब सोने लगे, 2 बज गए, तो हमने मटकों का पेड़ों के नीचे जल भरा रहता था महाराज जी, मिट्टी के मटकों का, तो एक मटका उठाया और पानी डाला, ऐसी कपड़ा पहने, वस्त्र पहने पहने हमने पानी शरीर से सिर पर डाला और नहा लिया। तो एक पानी के मटके में हमने सामने हेडपंप लगा है, आज भी लगा है, उस हेडपंप से हमने जल भरा कि जल चढ़ाएं, शायद अर्जी सुन ले बालाजी, आंखें बार बार भर आवे कि कल तो नाक कट जाएगी। हमारी नाक कटेगी सो तो ठीक है, आपकी भी नाक कट जाएगी कि बड़े पुजारी बनते थे, बड़े त्रिकालज्ञ बनते थे, बड़े भविष्य वक्ता बनते थे, बड़े अर्जी लगाने बनते थे, अब अपनी अर्जी नहीं लगा पाया कि पैसा नहीं हो पाऊंगा। तो मन में ये बड़ी खिन्नता आ गई। पानी का मटका हमने हाथ में लिया और मंदिर की सीढ़ियां चढ़े, 2 सीढ़ी रह ही गई थी और पैर रखने ही वाले थे, तब तक भोले बाबा के मंदिर से आवाज जोर से आई, शरीर कांप गया, अब मटका हमारे हाथ से छूट गया। तो हमने जोर से कहा कौन, तो भीतर से जोर से हुंकार भर के बोले हम हैं सन्यासी बाबा, और जा तू चिंता ना कर, कल व्यवस्था हो जाएगी तेरी। पहली बार हमें जीवन में, दूसरी बार ये सन्यासी बाबा के दर्शन थे, आंखों से आंसू आ गए, शरीर कप गए, रोंगटे खड़े हो गए और डरक डरक जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचे, लंबी मोटी मोटी, इतनी मोटी खड़ाऊ, गोल सुंदर बगबगाता हुआ चेहरा, सफेद, हाथ में 7-8 फुट का लंबा चमीटा और एक गैरुआ कपड़ा पहने हुए मुस्कुराता हुआ एक योगी खड़ा था। बोला जा व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत कर। कांप करके गिर गए महाराज जी, हमें मारे खुशी के 30 मिनट तक हमें होश नहीं आया, 30 मिनट तक। और शरीर में जब होश आया तो मन में प्रसन्नता भई कि गुरुजी ने आज दर्शन दे, तो बगल में जैसी सन्यासी बाबा के पास पहुंचे हम 1.5 घंटे नाचे, 1.5 घंटे, कि आज तो लाज भी बच गई और कृपा भी हो गई और दर्शन भी हो गए। जब नाचते नाचते शरीर थक गया, 2-3 जगह खून निकल गया, मुस्कुराते हुए नीचे उतरे और उतर करके हम सो गए। अब तो कोई चिंता ही नहीं, नींद ही नहीं आई, वही सपना बार बार, वही चित्र, वही विग्रह, और वो हुंकार आज भी हमारे कान में भरी है, आज भी वो हुंकार जाती नहीं है। और सच यह है उन्हीं गुरु कृपा की दम पर हम बोल देते, उन्हीं गुरु कृपा की दम पर हम दतिया में बोल रहे हैं, मॉरिशस में बोलाए और लंदन में बोलाए, कलयुग में साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी के चमत्कार के ही कारण। बार बार वो हमारे कानों में वही गूंज हुंकार भरी। सुबह 9 बजे हम जगे, नींद आई 5:30 पर सुबह, अब तो टेंशन नहीं। 9 बजे हम जागे तो रोज की भांति हम बाहर पीपल के पेड़ के पास, शरीर में रात को लग गया था खुशी के मारे, तो सब पूछने लगे कि आज आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख रहा पर आंखें लाल दिख रही। हमने कहा कुछ नहीं, अब किसे बता दें, और आज हम 2022 चल रही ना, 4 साल तक हम इस रहस्य को छुपाए रहे। टीवी के माध्यम से हमने पहली बार दतिया में इस रहस्य को हमने खोला। आज तक हमने इस रहस्य को कहीं नहीं बताया, धाम पर एक बार चर्चा जरूर की और लौट कर हमने कभी टीवी पर यह रहस्य नहीं बताया, क्योंकि गुरु की कृपा और गुरु के चमत्कार प्रचार का विषय नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। बार बार आंखों में आंसू भरे और प्रसन्नता हो गए।
पीपल के पेड़ के नीचे हम जाके बैठ गए। और जाके बैठे तो सब लोग यजमान आदि ब्राह्मण आदि सब राम राम करने आए। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, मौज थे। गुरु आज्ञा पर क्या संदेह, गुरु आज्ञा पर तो कोई। अब तो यही बात थी मन में कि पैसा कैसे आएंगे, अब व्यवस्था होगी कैसे, बस ये आनंद लेना था। बैठ गए मुस्कुरा कर। उस जमाने में गाड़ी उतनी ज्यादा कम आती थी धाम पर, तो एक बलोरो नई गाड़ी, तालाब है धाम पर अभी भी, वहां तालाब के किनारे बलोरो गाड़ी लगती है, और व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, आज भी हमें वो चित्र याद है, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने एक युवक, लगभग 40-42 साल का, छोटी छोटी मूंछ और एकदम बढ़िया चेहरा, हाथ में जो है थैला लिए हुए, काला बैग लिए हुए आया। हम तो सामान्य भांति बैठे थे, हमें क्या पता दिए, सबको मिल रहे थे तो वो भी लाइन में बैठा था, तो हमने उसको भी पूछा कि श्रीमान कहां से आए हो, तो उसने झांसी बताया कि गुरुजी हम झांसी से आए। उनका वाह, हमने सबको सीताराम की, उनका अच्छे आए, आप प्रसाद पाइए, यज्ञ के दर्शन करिए, यज्ञशाला की परिक्रमा करिए। बोले गुरुजी हमें कुछ भेंट देनी है। तो एक हमारे तिवारी जी काउंटर पर बैठते थे, हमने कहा कि वहां जाओ काउंटर पर भेंट दे आओ, रसीद ले आओ। बोले नहीं गुरुजी, आपके हाथ में हमें गुप्त भेंट देनी है, कुछ वस्त्र है। उनका लाओ एक काला बैग, कपड़ों के बहाने, ब्राह्मणों के कपड़े होंगे, वस्त्र होंगे, वो हमने ले लिया। और हम तो इसी भाव में थे कि कोई आएगा दान देगा, अब पैसा कैसे मिलेंगे इस भाव। और वो व्यक्ति बिना प्रसाद पाए हमारी आंखों के सामने ही स्वयं ड्राइव करके वो बलोरो लेके चला गया। और जब हम वो बैग लेकर के भीतर अपने कमरे में गए, तो कलयुग की सत्य घटना हम 4 साल पहले की व्यासपीठ से बता रहे हैं कलयुग में कि साधु संतों के कैसे हनुमान जी रक्षक हैं। हमने जब भीतर जाकर एक ही कमरा बना था, उसमें जाकर के जब बैग खोला, तिवारी जी ने हमें दिया और बैग खोला, तो उसके ऊपर एक पर्ची लिखी हुई थी जिसमें लाल स्याही से लिखा था जय सियाराम, और जब गिनती की तो 3,80,000 रुपयों की व्यवस्था थी। कौन है, कहां का है, कब आया, कैसे गया, कोई पता नहीं, लेकिन धन्य है कलयुग में श्री हनुमान जी, धन्य है गुरुदेव। आज भी संतों की रक्षा के लिए हनुमान जी को वो व्यक्ति बनना पड़ा, और यज्ञ की लाज बचाने के लिए हनुमान जी को आना पड़ा। साधु संत के तुम रखवाले, हनुमान चालीसा की है सिद्ध चौपाई है, हम कोई कथा नहीं तो मैं बता रहे, अपने जीवन की निज घटना बता रहे हैं कि जब हमारी रक्षा हनुमान जी, हम तो संत भी नहीं है, पक्के असंत हैं, उनके चरणों के तुच्छ से दास हैं, जब हमारे जैसे धूर्त नालायक मूर्ख पर वो कृपा कर सकते हैं, तो आप भी उन हनुमान जी के चरण मत छोड़ना, इस चौपाई को मत छोड़ना, आप पर भी वो बालाजी कृपा करेंगे। मत छोड़ना पागलो, प्राण छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, घर छोड़ देना, पर अपने हनुमान को मत छोड़ना। हमारे हनुमान जी ऐसे हैं, और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये ताकत सिर्फ कलयुग में अगर किसी के अंदर है, श्री हनुमान जी के अंदर है। और आज की कथा सुनकर प्रण लेकर जाना पागलो, हमने कहा था हम दतिया में किसी विशेष प्रयोजन से नहीं, आप सबको बागेश्वर हनुमान जी का पागल बनाने आए। कितने ऐसे लाखों हम आपको घटनाएं बताएं, कथाएं बताएं, जिनमें हनुमान जी ने कृपा नहीं की। कितनों की घर नहीं बनाए बालाजी ने,
कितनों की जिंदगी नहीं संवारी। आज तुम यहां बैठे हो, शायद कथा में ना आए होते, कहीं उपद्रव में फंसे होते, कोई गंदा काम कर रहे होते। धन है तुम कथा में बैठे, आनंद भी ले रहे, भक्ति भी दृढ़ कर रहे और पापों से भी बच रहे। प्यारे इसलिए तुम मर जाना पर भूल कर। और हम तो चाहते हैं हर मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, दंदरुआ हनुमान तुम्हारे नजदीक हैं, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक हैं, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने बालकों को भी कराना, तुम्हारे अंदर संतत आ जाएगा। और संतत आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करेंगे। लेकिन करना पड़ेगा। आप सोचो कि हम गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें, मुश्किल है। आप सोचो कि हमने कथा सुन ली तो तर गए, ऐसे नहीं। करना तो आपको ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो कि आपो धनी हो जाओ। श्री हनुमान जी साधारण थोड़ी है। हनुमान जी ज्ञानवान है, दयावान है, बलवान है, प्रेमवान है, समर्थवान है, इसलिए इनका नाम श्री हनुमान है।